जय हिंद दोस्तों। पिछले साल साउथ के कुछ एक्टर ने इतनी जबरदस्त फिल्म निकाली कि बॉलीवुड वालों को तो लोग पूछना ही छोड़ दिया। पुष्पा, KGF उसी साउथ फिल्मों का उदाहरण है। परंतु साल बदलने के साथ ही बॉलीवुड भी अपनी पुरानी रंग में लौट रहा है। दोस्तों, इस साल बॉलीवुड की 2 हीरोज फिल्म साउथ फिल्मों को टक्कर देने आ रहे हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी फिल्म होने वाली है। एक फिल्म है रामायण। दोस्तों, नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म रामायण में ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर नजर आने वाले हैं, जो एक बड़ी फिल्म साबित हो सकती है। अगली फिल्म है सेल्फी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ किसिंग किंग इमरान हाशमी नजर आने वाले हैं। सेल्फी साउथ की फिल्म का ही हिंदी रिमेक है। अगली फिल्म है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। दोस्तों, पहली बार बड़े पर्दे पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में नजर आने वाले हैं और यह एक एक्शन फिल्म होगी। अगली फिल्म है एनिमल। दोस्तों, एनिमल फिल्म में रणबीर कपूर के साथ बॉबी देओल नजर आएंगे और इस फिल्म में दोनों का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। अगली फिल्म है किसी का भाई किसी का जान। दोस्तों, किसी का भाई किसी का जान फिल्म में अपना भाईजान सल्लू मियाँ अर्थात सलमान खान होंगे और उनके साथ वेंकटेश दिग्गुबाती नजर आएंगे। अगली फिल्म है जवान। पठान की सफलता से उत्साहित शाहरुख खान जवान फिल्म लेकर आ रहे हैं और साथ ही विजय सेतुपति भी इसमें नजर आएंगे। हालांकि विजय सेतुपति के कैमियो रोल होने की खबर है। अगली फिल्म होगी टाइगर 3। एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म टाइगर 3 में सलमान खान फिर से नजर होंगे और उनके साथ विलेन के किरदार में इमरान हाशमी होने वाले हैं। अगली फिल्म होगी आदि पुरुष। दोस्तों, ओम राउत के निर्देशन में बनी फिल्म आदि पुरुष में बॉलीवुड के सैफ अली खान और साउथ सुपरस्टार प्रभास की भिड़ंत होगी।